गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे, या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे। गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब। पानीपत के मॉडल टाउन थाना में एएसआई महिला को रंगे हाथ 5000 रिश्वत लेते पकड़ लिया। पुलिस कप्तान को शिकायत मिली, उस पर टीम गठित कर एसपी ने दिखाए तेवर। इस पूरे मामले के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन थाने की महिला एएसआई सीमा की गिरफ्तारी व एसपी पानीपत के तेवरों से पानीपत पुलिस के अधिकारी हैरानी से थरथराए हुए हैं, क्योंकि पानीपत पुलिस के इतिहास में पहली मर्तबा है जब पुलिस अधीक्षक ने किसी मुलाजिम को पुलिस की शिकायत के तुरंत बाद रेड की और कार्रवाई अमल में लाई हो। मॉडल टाउन थाने में तैनात महिला एएसआई को पुलिस ने 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। और दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी विजिलेंस टीम द्वारा नहीं कराई गई, बल्कि पानीपत की एसपी मनीषा चौधरी द्वारा बनाई गई टीम ने इसे गिरफ्तारी को अंजाम दिया। ज्ञात रहे कि दुष्कर्म के केस में आरोपी राकेश से एएसआई सीमा ने 5000 रुपये की रिश्वत के बदले आरोपी की मां को मारपीट के मामले से बाहर निकालने का वायदा कर रही थी। आरोप है कि अग्रिम जमानत होने के बावजूद भी महिला थानेदार राकेश को गिरफ्तारी का डर दिखा रही थी। ज्ञात रहे कि करनाल जनपद के गांव में एक महिला ने राकेश के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में दुष्कर्म की शिकायत दी थी। वहीं उसकी मां पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसमें आरोपी राकेश को 27 फरवरी को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन अभी भी राकेश की मां का नाम पुलिस रिपोर्ट में अंकित था। जाहिर है केस से निकालने की अवज में कथित रूप से एसआई सीमा रिश्वत की मांग कर रही थी। नतीजतन राकेश ने एसपी पानीपत मनीषा चौधरी के समक्ष एएसआई सीमा के द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत रखी, जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए एसपी मनीषा चौधरी ने तुरंत नायब तहसीलदार अनिल कौशिक को ड्यूटी मजिस्ट्रेट व महिला थाने की कार्यकारी एसएचओ सरोज की टीम बनाकर रेड हैंडल कार्रवाई करने का आदेश दिया। हालांकि अभी तक रिश्वत के आरोप पर सीधी कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस का सहारा लिया जाता रहा है, क्योंकि आम धारणा यह भी है कि पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ मुलाजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में विश्वास की भावना जगी है। पुलिस महकमे में इस बात का डर घर हो गया है कि अब जनता सीधे पुलिस कप्तान को शिकायत करने के लिए जागरूक हो जाएगी। जाहिर है नई पुलिस अधीक्षक द्वारा शुरू की गई नई परंपरा से बेईमानी से पैसा कमाने वाले विभिन्न महकमों के मुलाजिमों के कान खड़े हो गए हैं। उधर आपराधिक तत्वों से सख्त संदेश गया है कि यदि पुलिस कप्तान अपने महकमे के लिए इस कदर सख्त है तो दूसरे अपराध करने वाले किसी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।